सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज आपके फोर्थ सेमेस्टर के आठवें विषय यानी कि शांति शिक्षा एवं सतत विकास के यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो वैकल्पिक क्वेश्चन के पहले पार्ट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम यहाँ पर कंप्लीट नहीं करेंगे, बस केवल हम आधे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और आधे क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों से कि आप अगर पढ़ाई कम करते हो तो भी ठीक है, लेकिन जितना पढ़ो आप उतना अच्छे से पढ़ो ताकि आप लोगों को फिर वो दोबारा रिपीट ना करना पड़े। इसीलिए यहाँ पर मैं बहुत लंबी क्लासेस नहीं लेती हूँ ताकि छोटी क्लासेस में ही आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जितना भी आप पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ करके जाओ यहाँ से। तो आपको पता ही कि हर साल की तरह या हर सेमेस्टर की तरह हम आप लोगों को रेगुलर सारे के सारे राजन और पवन सीरीज की पूरी क्लासेस आपको हम अवेलेबल करवाते हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या फिर अति लघुत्तरी प्रश्न हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जो बहुविकल्पी प्रश्न है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, पहला प्रश्न यहाँ पर है, सतत विकास के तीन आयाम तैयार किए गए, आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम और पर्यावरणीय आयाम। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो विकास का मतलब है कि जो इंसान है यानी कि जो आम आदमी है उसकी भी आर्थिक स्थिति सुधरे यानी कि वो भी कुछ अच्छा करे, अपने जीवन में आगे बढ़े, और सामाजिक आयाम यानी कि पूरा समाज आगे बढ़े, और पर्यावरणीय आयाम यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रख करके। इसीलिए आज आप देखो, सभी को पता है कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों से बहुत अधिक वायु प्रदूषण होता है। तो इसलिए आप देखिए बाजार में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिख जाएंगी, बैटरी से चलने वाली बहुत सारे व्हीकल दिख जाएंगे। तो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमें ये समझ में आ रहा है कि हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपने आसपास के वातावरण को साफ नहीं रख रहे थे। इसीलिए हमें ऐसे उपक्रमों को तैयार करने की जरूरत है, ऐसे मशीनों से बने हुए हमें जो व्हीकल्स हैं उनका यूज करना है जिससे जो पॉल्यूशन है, जो पर्यावरण प्रदूषण है वो कम से कम हो पाए। तो विकास का मतलब यही है कि सतत विकास का मतलब यही है कि सभी प्रकार के जो विकास है हमारे वो साथ साथ चले। तो इसीलिए ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तथ्य क्या है? व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तथ्य है, संवेगात्मक स्थिरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विकास या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। 2021 में ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, राष्ट्रीयता है देशभक्ति का पुराना प्रत्यय, देशभक्ति का नया प्रत्यय, देशभक्ति का समान प्रत्यय या विघटन प्रत्यय। तो दोस्तों जो राष्ट्रीयता है ये देशभक्ति का समान प्रत्यय है, यानी कि जैसे देशभक्ति है सेम उसी को हम राष्ट्रीयता से भी जोड़ते हैं। जिसको राष्ट्र से प्रेम रहेगा वो देशभक्त ही कहलाएगा। तो ऑप्शन सा जो है ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, समानता या फिर बंधुत्व। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो विशेषाधिकार है यह मूल सिद्धांत में नहीं आता है। लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है इसके अंतर्गत विशेषाधिकार नहीं आता। तो ऑप्शन अ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देखते हो पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, सतत विकास के लिए आवश्यक है शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग या असंतुलित विकास। तो सतत विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि शुद्ध और स्वच्छ वातावरण हमें मिले, तभी सही प्रकार से मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो पाएगा और सभी लोग शुद्ध सही हवा में सांस ले पाएंगे। तो ऑप्शन आ जो है ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम नहीं है, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, असीमित संसाधन या सामाजिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, असीमित संसाधन। ये सतत विकास के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है, किसमें दी गई है, किस दर्शन में, वैदिक दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में या योग दर्शन में। तो राइट आंसर हो जाएगा जैन दर्शन में ये दी गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट है, निम्नांकित में से कौन हिंसा का मोर्चा है,
भ्रष्टाचार, मनोवैज्ञानिक हिंसा, क्लासेज में या फिर धमकी देना, इसमें से कौन सा हिंसा का मोर्चा, कौन हिंसा के अंतर्गत आता है दोस्तों? निम्नांकित में से कौन हिंसा का मोर्चा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार। सबसे पहले इसी से हिंसा जन्म लेती है, तो ऑप्शन अ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों से एक ढंग से कार्य करवाना, कठोर दंड देना, स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण, या व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी मौखिक हिंसा है? मारना, धक्का देना, गालियां देना, या सामाजिक बहिष्कार करना। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा जो है गालियां देना, ये मौखिक हिंसा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? जातिवाद, असमान आर्थिक विकास, पंथ निरपेक्षता, या व्यक्ति की राजनैतिक महत्वाकांक्षा। तो राजनैतिक महत्वाकांक्षा होगी तो लोग अपने ही रिश्तेदारों को अधिक से अधिक राजनीति में लाना चाहेंगे, अपने बिजनेस में लाना चाहेंगे। असमान आर्थिक विकास होगा, जो धनी है वो और अधिक धनी होता जाए, जो गरीब है वो और अधिक गरीब होता जाए। तो इससे राष्ट्रीय एकता नहीं बनेगी, बल्कि इससे अमीरी और गरीबी की एक बहुत बड़ी खाई बनेगी। और अगर जातिवाद रहेगा तो आप सोच सकते हो कि विकास किस स्थिति में होगा। कुछ लोग जो जिस जाति के आगे हो जाएंगे वो उसी जाति को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा जो है पंथ निरपेक्षता, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ये राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, निम्नांकित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य है विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य, विभिन्न देशों के लोगों की आपसी कटुता, विभिन्न देशों के लोगों की आपसी वैमनस्यता, या विभिन्न देशों में भ्रमण करना। तो वैश्वीकरण का जो मतलब होता है, वैश्वीकरण का सिंपल सा मतलब यही होता है कि सभी देशों से अच्छे संबंध रखना। आपस में सभी देशों से अच्छे संबंध रखने से क्या फायदा होगा कि हमें सभी का सहयोग मिलेगा और समय पड़ने पर हम भी लोगों का सहयोग कर पाएंगे, और इस तरीके से हमारे पास जो चीजें ज्यादा है वो हम उनको दे पाएंगे और उनके पास जो चीजें ज्यादा है वो हमें दे पाएंगे। इस तरीके से हम दोनों ही एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे और इसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नांकित में सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, असीमित, या सामाजिक। तो इसमें से कौन सतत विकास का आयाम नहीं है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, असीमित। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है अथवा सतत विकास क्यों आवश्यक है? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग, या असंतुलित विकास। तो ये क्वेश्चन अभी आपने ऊपर देखा है, शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण जब रहेगा तभी हम सतत विकास मानेंगे अपने देश के विकास का। क्वेश्चन नंबर 15 है, सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया था? युंग ने, पावलो ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर फ्रॉवेल ने। दोस्तों आपको पता है कि जो नियम दिया था, नियम किसने दिया था? आप लोगों को पता है थॉर्नडाइक ने दिया था। और कौन कौन से नियम है सीखने के? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, और प्रभाव का नियम। जबकि जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी है, वो पावलो ने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फिर थॉर्नडाइक से रिलेटेड है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए थे? तो 3 दिए थे, अभी मैंने आपको बताया कि अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और तत्परता का नियम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्व जागरूकता विकास के रूप हैं अंतश्चेतना, व्यक्तियों को पहचानना, गणना संबंधी संप्रत्यय, या फिर सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, सभी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर द जो है सभी सही हो जाएगा, अंतश्चेतना, गणना संबंधी प्रत्यय, और व्यक्तियों को पहचानना। स्व जागरूकता का मतलब ही यही है कि हम अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में जाने, हमारे आसपास के हमारा आसपास मतलब हमारे लोकल में क्या चीजें हो रही हैं, फिर हमारे प्रदेश में क्या चीजें हो रही हैं, कौन सी सड़क बन रही है, किस तरीके से क्या क्या विकास के काम हो रहे हैं, कहाँ पर मेट्रो चलने वाली है, या फिर कहाँ पर किस तरीके से विकास के कार्यों में कहाँ पर टेक्नोलॉजी के काम हो रहे हैं अच्छे से,
कहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो रही है, ये सब चीजें हैं जो स्व जागरूकता के तौर पर या एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के प्रति हमें ये सब चीजें जाननी चाहिए, हमारे देश में क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहिरंग योग है यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो अष्टांग योग होता है इसमें यम नियम प्राणायाम और प्रत्याहार ये मिलकर के होते हैं पांच बहिरंग योग। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाए। ठीक है, इसके बाद ये पांच हो गए बहिरंग योग में और फिर बचे तीन। तो अंतरंग योग पूछा है क्वेश्चन नंबर 19 में, अंतरंग योग जो है ये कौन कौन से आसनों को हम कहते हैं। तो देखिए धारणा ध्यान और समाधि। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। ये अष्टांग योग आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और लास्ट में आता है समाधि। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, शांति शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। अलग से कक्षा की व्यवस्था, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, समस्त विषयों की शिक्षा यहाँ पर होना चाहिए था। हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी या संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। तो शांति शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। तो शांति शिक्षा के लिए, शांति शिक्षा की शिक्षा सभी विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, यानी कि चाहे आप हिंदी पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, मैथ पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, ठीक है, सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, होम साइंस पढ़ा रहे हो, आप कुछ भी पढ़ा रहे हो अपनी क्लास में, आप सभी में शांति शिक्षा के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। तो ऑप्शन ब जो है ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से या उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। कैसे बच्चों को हम सुयोग्य नागरिक बना सकते हैं। तो राइट आंसर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा, जब उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो बच्चे सुयोग्य नागरिक अपने आप बनेंगे। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 है, योग दर्शन के प्रणेता है पतंजलि, शंकराचार्य, अरविंद घोष या फिर मनु। तो योग दर्शन के प्रणेता कौन है। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा पर ऑप्शन नंबर आ पतंजलि। पतंजलि के नाम से आज आप देखिए कितना बड़ा पूरा का पूरा ब्रांड खड़ा कर दिया है बाबा रामदेव ने। तो जो पतंजलि है, पतंजलि जो है ये एक ऋषि मुनि का नाम था और उन्हीं वो क्या है, योग दर्शन के प्रणेता, उन्होंने योग के बारे में बताया और इसी के नाम पर आप देखिए कितना बड़ा ब्रांड खड़ा हो चुका है। 2016, 2018, 2019 लगातार देखिए 2 सालों में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की है। तो आप सभी लोगों को पता है कि किसने की है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की है और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के सिद्धांत है। बंधुत्व, जातिवाद, समानता, संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता, स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता या फिर स्वतंत्रता, जातिवाद, समानता। तो जातिवाद जिस भी ऑप्शन में है वो तो पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता, तीनों में आगे स आ रहा है, ऑप्शन नंबर स जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय दशक यानी कि शांति और अहिंसा की संस्कृति का, और ये घोषित किया गया था 2001 से 2010 को। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है प्रकृति और मानव जगत के बीच, विद्यालय और समुदाय के बीच, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच या शिक्षक और बच्चों के बीच। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, प्रकृति और मानव जगत के बीच, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, सतत विकास संबंधित है आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, सामाजिक पर्यावरण या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसका कथन है, तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, गेट्स।
क्वेश्चन नंबर 29 है, शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि है सामूहिक कार्य, श्रमदान, बाल सभा, यहाँ पर सभा होगा, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं। तो अष्टांग योग में अभी आपने देखा है 8 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं यहाँ पर आपने देखा अभी क्वेश्चन नंबर 18-19 में। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, अष्टांग योग का पहला चरण क्या है। तो अभी आपने देखा यम है, फिर उसके बाद नियम है, फिर आसन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, यम कितने प्रकार का होता है। यम कितने प्रकार का होता है, तो यम 5 प्रकार का होता है। तो ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वभाव और स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं, 5, 2, 7 या फिर 10। तो स्वभाव निर्धारण के 7 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन किसका है, सैमुअल स्माइल्स का, डम्बिले का, कार्टर बी गुड का, या फिर एस मुलरो का। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, सैमुअल स्माइल्स। ये कथन किसका है, सैमुअल स्माइल्स का है, चरित्र आदतों का पुंज है, 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 35 है, समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, यह परिभाषा किसकी है, मारिया मॉन्टेसरी की, महात्मा गांधी की, टैगोर की, या विवेकानंद की। तो ये जो कथन है ये है मारिया मॉन्टेसरी का, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, जीवन में शांति के उपाय हैं उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उचित समाजीकरण, या उपरोक्त सभी। तो यहां पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, तनाव के प्रकार हैं जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, सामाजिक तनाव, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 1985, 1975, 1990 और 1995 दिया हुआ। तो मैं पूरी चीजें आपको यहाँ पर स्पष्ट बता देती हूँ कि महिला सशक्तिकरण की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से माना जाता है। ठीक है, 8 मार्च को आपको पता महिला दिवस मनाया जाता है, तो इसकी शुरुआत 1975 से हुई थी। ठीक है, और फिर देखिए इसके बाद फिर महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में महिला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में की गई। भारत सरकार ने समाज में लिंग आधारित विभिन्नताओं को दूर करने के लिए एक महान नीति, महिला कल्याण नीति 1953 में अपनाई थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था। तो यहाँ पर पूछा है महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष कब है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2001 जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। चूंकि यहाँ पर वर्ष की ही बात है, तो 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था भारत सरकार ने। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर इस तरीके का प्रश्न होता कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना किस सन से शुरू किया, तब यहाँ पर 1975 होता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी सही से आंसर नहीं दिया है, लेकिन 1975 भी है और 1985 भी है, क्योंकि नैरोबी में पहली बार सम्मेलन किया गया था महिलाओं के लिए 1985 में। तो यहाँ पर 1985, 1975 दोनों दिया हुआ। 1975 से महिला सशक्तिकरण की शुरुआत हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1975 से मनाया जाने लगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 1975 को भी सही मान सकते हैं, 1985 को भी, लेकिन यहाँ पर महिला वर्ष कब मनाया गया इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि हम अपने देश की बात कर रहे हैं, और जब अपने देश की बात करेंगे तो 2001 को महिला सशक्तिकरण के रूप में इस साल को मनाया जाता है। अपने देश की बात अगर हम करें तो यहाँ पर इस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया, और यही पूछा ही है यहाँ पर, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष है तो 2001 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जो बीमारी दूर करने योग्य है उसे दूर न करना ही हिंसा है, यह परिभाषा किसने दी है, जोहन गोल्टुंग ने, महात्मा गांधी ने, टैगोर ने, या विवेकानंद ने। ये परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा दी है महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, योग्यतम की उत्तर जीविका का सिद्धांत किसने दिया था, सैमुअल स्माइल्स, डम्बिले, डार्विन, या स्मुनरो। तो ये दिया था डार्विन ने। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चंस आपने कर लिए, जितने भी क्वेश्चंस और बचे हुए हैं वो सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे।
तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे जनरल से हमारे नोट्स को नहीं प्राप्त किया है, आठ के आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स जो हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, उनको अगर वो नोट्स आपको चाहिए और सारे के सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सारे के सारे विषयों के राजन पवन सीरीज के पूरे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जो आपको बाजार से अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है वो एक ही जगह पर मिल जाएगा और अच्छे से आप पढ़ पाओगे, अपने फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको आठ के आठों विषयों की लिंक भी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जरूर कमेंट किया करिए कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं और कहां आपको किसी प्रकार की कोई भी कमी लगे या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दिया करें। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप सभी का। जय हिंद।